जब किसी बड़े खिलाड़ी की आईपीएल में नीलामी होती है तो खिलाड़ी के साथ साथ हर क्रिकेट फैन भी चाहता है कि वो खिलाड़ी मैदान पर आए और रंग जमाए, अपना जलवा दिखाए और टीम को मैच जिताए। लेकिन कभी कभी कुछ बड़े खिलाड़ियों को खेलने का मौका नहीं मिलता, और ऐसे ही एक खिलाड़ी है चेन्नई की टीम के दिग्गज स्पिनर इमरान ताहिर। दुनिया के दिग्गज स्पिनरों में से एक ताहिर को अभी तक आईपीएल 13 में खेलने का मौका नहीं मिला, और ताहिर का ये दर्द अब निकल कर बाहर आ गया है। इमरान ताहिर ने हाल ही में एक ट्वीट करके इशारों ही इशारों में अपना दर्द बयां किया है। ताहिर ने कहा, जब मैं खेला करता था तो बहुत सारे खिलाड़ी मेरे लिए मैदान पर ड्रिंक्स लेकर आते थे, और अब जब डिजर्व्ड खिलाड़ी खेल रहे हैं तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनको फेवर लौटाऊं। ये मेरे बारे में नहीं है कि मैं खेल रहा हूं या नहीं, ये मेरे टीम के जीतने के बारे में है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं अपना बेस्ट करूंगा और यही जरूरी है। आपको बता दें कि सीएसके ने अभी तक 8 मैच खेले हैं जिसमें से 3 जीते हैं और 5 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है, और इन सभी मैचों में इमरान ताहिर को बाहर ही बैठना पड़ा है, जबकि हर कोई जानता है कि इमरान ताहिर किस तरह के गेंदबाज हैं। ताहिर के अंदर विकेट चटकाने की कला है। पिछले सीजन में ताहिर के नाम 17 मैचों में 26 विकेट थे और उन्हें पर्पल कैप मिली थी। इस तरह के शानदार प्रदर्शन के बाद भी अगर ताहिर को अभी तक मौका नहीं मिला है तो धोनी का ये फैसला थोड़ा हैरान जरूर करता है। वैसे धोनी के मन को कौन समझ पाया है, धोनी कब क्या करते हैं किसी को समझ नहीं आया है। हो सकता है धोनी ने ताहिर को अभी तक बचा कर रखा हो और वक्त आने पर अपने इस तुरुप के इक्के का इस्तेमाल वो करें। वैसे दोस्तों, आपका ताहिर को लेकर क्या मानना है? आखिर ताहिर को आपके मुताबिक मौका क्यों नहीं मिल रहा? जो भी आपका मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।